हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एनएमआर वीडियो के सीरीज में हम देखने वाले हैं कि स्पिन स्टेट्स एग्जैक्टली होती क्या है और इनका क्वांटाइजेशन होता है यानी एग्जैक्टली क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा क्वांटाइज्ड। आपके 11th स्टैंडर्ड में भी आपने डेफिनेटली ये सुना होगा कि एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, जो कहा था सर मैक्स प्लैंक ने व्हाइल एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो उसका मीनिंग क्या था कि एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसी भी डिस्क्रीट वैल्यू में नहीं होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू के मल्टीपल्स में ही होगा। व्हेनेवर एन एंटिटी टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज, कंटिन्यूअस वैल्यूज वो नहीं लेती है। मान लो कि आप किसी शोरूम में जाते हो और उधर कुछ कपड़े लगाए हुए रहते हैं, उधर लिखा होता है फिक्स्ड रेट, यानी वो शर्ट आपको लेना है तो उतनी पर्टिकुलर अमाउंट ही देनी पड़ेगी, उससे कम नहीं चलेगी ना ज्यादा नहीं चलेगी। ज्यादा ले लेगा इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट एग्जैक्टली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल कंसिडर कि वो उतनी ही वैल्यू लेगा। यानी डिस्क्रीट वैल्यूज वो होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही वो एंटिटी लेने वाली है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति स्टेप्स चढ़ता है तब वो या तो एक स्टेप लेगा, दो स्टेप लेगा या तीन स्टेप लेगा। ही कैन नॉट टेक 1.5 स्टेप्स, 0.5 स्टेप्स, 2.5 स्टेप्स, ऐसे हवा में तो वो आधे स्टेप नहीं ले सकता। तो ये जो इधर स्टेप्स के चढ़ने का क्या हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया। और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अभी ये कैप है, इस कैप में मैं ये दूसरी वाली पेन फिट करना चाहूंगा, इज इट पॉसिबल? नो। लेकिन इस कैप में मैं ये पेन अगर डालना चाहूंगा तो ये फिक्स हो रही है, यानी ये कैप का क्या हो गया है, क्वांटाइजेशन। इट एब्सॉर्ब्स और इट रिसीव्स दिस टाइप ऑफ पेन ओनली। यानी एनर्जी का भी एक्सचेंज जब हो रहा था ना उधर, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा था, वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही एब्सॉर्ब या एमिट कर रही थी। और आगे जाके सर आइंस्टाइन ने कहा सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज ही पैकेट्स में नहीं होता है, एनर्जी ही पैकेट्स में होती है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। सर आइंस्टाइन ने कह दिया एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, और उन्होंने इसे प्रूव भी कर दिया अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है और छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी जो है वो एमिट होती है, जिसकी एनर्जी मतलब एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू के बराबर होती है। सो फ्रेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन यानी वो जो एंटिटी क्वांटाइज होती है वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेती है। अभी फ्रेंड्स हम इधर कहते हैं कि स्पिन स्टेट्स आर क्वांटाइज, तो चलो बढ़ते हैं स्पिन स्टेट्स की तरफ। स्पिन स्टेट्स हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, किसी भी न्यूक्लियाई के लिए स्पिन स्टेट जो होती है वो 2i+1 के बराबर होती है। i क्या होता है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बारे में एक्सटेंसिवली हमने पिछले सेशन में देखा है। तो फ्रेंड्स स्पिन स्टेट्स इस तरह से हम निकालते हैं 2i+1। जो न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होते हैं उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है, इसलिए उनका स्पिन स्टेट जो है ओनली 1 रहता है। यानी इट कैन हैव ओनली 1 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन और 1 टाइप ऑफ एनर्जी स्टेट। माइंड इट वेल फ्रेंड्स, इतने इस और एक एग्जांपल देखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर जब हाफ होता है तो इसके 2 वैल्यूज पॉसिबल है, एज पर 2i+1 3/2 के लिए 4, 2 के लिए 5। व्हाट डज दिस मीन, जब उसका स्पिन क्वांटम नंबर 2 है किसी न्यूक्लियाई का तो उसके 5 एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल है। इट कैन स्टे इन 5 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, इट कैन हैव 5 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तो फ्रेंड्स अभी न्यूक्लियाई की एनर्जी किस पर डिपेंड करने वाली है, उसके स्पिन के ऊपर। जब उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, दैट विल डिसाइड द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। तो फ्रेंड्स हम इस अलाउड स्पिन की वैल्यू जब कहते हैं कि 5 है, तो हाउ मेनी वैल्यूज इट कैन हैव, 5 वैल्यूज, तो इट कैन हैव +2 से लेके -2 तक विथ डिक्रीजिंग 1। तो फ्रेंड्स जब हम कहते हैं किसी न्यूक्लियाई के लिए अलाउड स्पिन स्टेट्स 5 है, फॉर एग्जांपल फॉर अ न्यूक्लियाई विद स्पिन क्वांटम नंबर 2 इट कैन हैव 5 डिफरेंट स्पिन स्टेट्स। तो ये फिजिकल लेवल पे क्या दर्शाता है, हमें एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है,
तो ये इसके साथ जब अलाइन करके स्पिन हो रहा है, जब इसकी अलाउड स्पिंस 5 है, तो इट कैन हैव प्लस 2 से लेके माइनस 2 तक वैल्यूज। तो ये जब प्लस 2 इसकी वैल्यू रहेगी तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होके कुछ इस तरह से स्पिन करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होके। लेकिन जब ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उस सैंपल में के सारे न्यूक्लियाई की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट करने दो उनको, वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट करने दो, उनकी एनर्जी जो है वो सेम रहने वाली है। बट एज सून एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अराइव्स देयर, दिस न्यूक्लिया स्टार्ट्स रीओरिएंटिंग देमसेल्व्स। तो कुछ न्यूक्लिया जब वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ अलाइन होंगे, और जब वो कंप्लीटली अलाइन होगा तो उसकी हम अलॉट स्पिन स्टेट की वैल्यू कहेंगे 2। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे एक न्यूक्लिया जो है कम्प्लीटली पैरेलल है तो उसकी प्लस 2 है, वो एंटी पर पैरेलल है तो उसकी वैल्यू माइनस 2 है। ऐसे हम केमिस्ट्री के वर्ल्ड या फिजिक्स के वर्ल्ड में नहीं कहते। व्हेन एवर आई विल से इट हैज प्लस फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूक्लिया, व्हेन आई से द अलॉट स्पिन स्टेट वैल्यू इज प्लस 1, आई वुड मीन कि इट इज स्पिनिंग एट 45 डिग्री एंगल। जब मैं कहूंगा इसकी वैल्यू 0 है तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं कहूंगा इसकी वैल्यू -1 है, यानी इसने अभी इनफ एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, तो उसकी स्पिन जो है अभी क्या होने वाली है, रिवर्स होना स्टार्ट करने वाला। पहले ये जो इधर स्पिन कर रहा था अभी इधर स्पिनिंग चालू कर देगा ये, तो इसकी स्पिन अभी रिवर्स होना चालू होगी। और अगर इसमें मैं और थोड़ी एनर्जी दे दूंगा तो ये कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसकी स्पिन अगर ऐसी है तो ये जो भी डायरेक्शन है, अभी इस डायरेक्शन में अगर ये स्पिन कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे पॉइंटिंग होगी, यानी ये दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड अभी कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से फ्रेंड न्यूक्लियाई की जो स्पिन रहती है वो एनर्जी के एब्सॉर्प्शन के साथ चेंज होती रहती है, और ये जो स्पिन स्टेट्स है वो बस एनर्जी ही दिखाते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। उनका ओरिएंटेशन जो है वो उसके एनर्जी को बताता है। और ये एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है कि मान लो ये न्यूक्लिया है, इसके अलाउड स्पिन स्टेट्स 4 है, तो जब इसकी वैल्यू प्लस 1 होगी तो ये 45 डिग्री को ही स्पिन करेगा। इट कैन नॉट स्पिन एट 40 डिग्री और 80 डिग्री और 110 डिग्री। इट विल स्पिन आइदर एट 45 डिग्री और एट 90 डिग्री और एट 135 डिग्री और पैरेलल टू दिस और एंटी पैरेलल टू दिस। तो इस तरह से इसके जो वैल्यूज है, इसके जो स्पिन स्टेट्स है, स्पिनिंग ओरिएंटेशंस है, वो फिक्स्ड है। रैंडमली कोई भी वैल्यू ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो फिक्स्ड वैल्यूज है उसी को कहते हैं स्पिन स्टेट्स आर क्वांटाइज्ड एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2i+1। और फ्रेंड्स इसी को स्पिन स्टेट को हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। फोकस ऑन दिस वर्ड फ्रेंड, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड relative to the external magnetic field is called as spin state। For example, अभी भी हमने देखा कि मान लो ये अगर इसकी external magnetic field की direction है और अगर nuclear इस direction में spin कर रहा है तो इसकी जो resultant magnetic field बनने वाली है, इसकी resultant magnetic field जो बनने वाली है वो इस direction में होगी, इस axis के along कुछ इस direction में होगी। तो इस तरह से फ्रेंड इस ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन होगा विद रेफरेंस टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पिन स्टेट। और ये जो स्पिन स्टेट होती है वो कोई भी वैल्यू नहीं लेती है, इट टेक्स ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, हेंस वी कॉल इट एज स्पिन स्टेट्स आर क्वांटाइज्ड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दिस इज वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कई स्टूडेंट्स के मन में इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है कि स्पिन स्टेट्स क्या होती है और उसको क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो इन टू वीडियोस के माध्यम से फ्रेंड्स, इसके पहले का एक वीडियो है जो स्पिन एक्सक्लूसिवली स्पिन स्टेट्स के बारे में है, लेकिन उसमें क्वांटाइजेशन के बारे में बात करना मैं भूल गया था, तो ये अलग से वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें स्पिन स्टेट्स का क्वांटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात किया है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहिए।